जब अत्याचार मजलूमों के दिल से ये ही आती है पुकार जब पापों का बढ़ने लगे है भार मजलूमों के दिल से ये ही आती है पुकार है इसका फौलादी हजारों नागों की शक्ति जिस्म है इसका फौलादी हजारों नागों की शक्ति क्या अंबर क्या धरती पर पहुंचे ये नाग रस्सी पर गोली का ना असर हो इस पे छोड़ विष फुंकार ऐसे क्या देख रही हो ऋषि? क्या टिप्पू को ढूंढने की कोशिश कर रही हो? यही सोच रही हूँ कि हम कहाँ आ गए। हम महानगर नेशनल फॉरेस्ट पहुँच चुके हैं। कहीं ये सोचकर तुम घबरा तो नहीं गई? तुम साथ हो तो घबराहट कैसी। दरअसल मैं ये जानने की कोशिश कर रही थी कि इस घने जंगल में कितनी आगे तक जाना है। टिप्पू की तलाश हमें यही से शुरू करनी पड़ेगी। क्या कर रही हो? मरना चाहती हो क्या? क्यों मणि, क्या हुआ? मैं तो जीप से उतर रही थी। सैंडल पहनकर। अब बोलो। ओ गॉड, सॉरी सॉरी, ये भूल तो वाकई मेरी जान ले लेती। मुझे तो गंबूट पहन लेने चाहिए, अभी पहनती हूँ। नहीं, तुम्हारी ये भूल तुम्हारी जान नहीं लेती, क्योंकि तुम्हारे साथ प्रोफेसर नागमणि है, जहरों का विशेषज्ञ, जिसके दिमाग की नसों में खून नहीं जहर बहता है, जिसकी जुबान शब्द नहीं जहर उगलती है, जो सांस भी छोड़े तो आसपास की सारी हवा जहरीली बन जाती है। दुनिया का खतरनाक से खतरनाक जहर नागमणि के पास है, और कौन से जहर से कैसे बचा जा सकता है ये सिर्फ नागमणि जानता है। अब बोलो, कौन सा जहर तुम्हारी जान ले सकता है? लेकिन मणि, आप ही तो कह रहे थे कि टिप्टो विषैली जाति का एक बेहद खतरनाक नाग है। हाँ, तभी तो मुझे उसकी जरूरत है और मैं उसे पकड़ने यहाँ आया हूँ। मुझे टिप्टो का विष चाहिए और उसके जहर से मैं एक ऐसा खतरनाक हथियार बनाना चाहता हूँ जो अपराध की दुनिया का सरताज हो, और फिर उस सरताज को बेचकर प्रोफेसर नागमणि बनेगा दुनिया का सबसे अमीर आदमी। लेकिन सावधान, टिप्टू सिर्फ जहरीला नहीं बल्कि लूमड़ी की तरह एक चालाक सांप है, जो अचानक अपने दुश्मन के सामने आकर उसे सम्मोहित करता है,
फिर उस पे वार करता है। लेकिन इतने बड़े जंगल में टिपटो कहाँ है, इसका पता आप कैसे लगाएंगे? सूंकर। सूंकर? हाँ, सूंकर मैं किसी भी जहर की पहचान कर सकता हूँ। इस वक्त मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ लेकिन मेरी नाक उसके जहर को सूंघ रही है। मुझे टिपटू के जहर की गन मिल रही है। ऋषि सावधान, वो यही कहिए, पास में है वो, सावधान। ऋषि सावधान रहना। मत करेगा तुम्हें, डस लेगा, मत देखो। डस लिया तूने उसे? लेकिन वो नहीं मरेगी, नागमणि उसे मरने नहीं देगा। मरेगा तो तू शैतान, वो भी नागमणि के हाथों। तेरी रग रग से वाकिफ हूं मैं शैतान, तू मुझे सम्मोहित नहीं कर सकता क्योंकि आज तक मौत को कोई सम्मोहित नहीं कर पाया और मैं तेरी मौत हूं। देख मेरी आंखों में अपनी मौत। अंधेरा, आज जहरीले, क्योंकि तो जैसे जैसे मेरे पास आता जा रहा है जिंदगी उतनी दुगनी रफ्तार से तुझसे दूर होती जा रही है। आ, आ। आंखें खोलो ऋषि, ऋषि आंखें खोलो, ऋषि घबराओ नहीं, टिपटू का जहर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, घबराओ नहीं ऋषि। लेकिन इस जहर के काट के लिए मुझे टिपटू के जहर से ज्यादा खतरनाक और तेज जहर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ऐसा जहर मुझे मिलेगा कहा? हाँ, नाग मंदिर, नाग मंदिर। हाँ ऋषि, घबरा नहीं ऋषि। जहर चाहिए मुझे, जहर। अगर जरूरत पड़े तो एक एक बांबी को खोद कर उस सांप को ढूंढ निकालूंगा जिसके जहर से मैं ऋषि को बचा सकता हूं। तो किसी बच्चे के रोने की आवाज है। इतने घने जंगल में बच्चा कहां से आ सकता है? और यह आवाज नाग मंदिर की तरफ से आ रही है। अरे, मुझे इस जहर की गंध मिल रही है और वो गंध मंदिर की तरफ से ही आ रही है। मतलब वो साफ यही है जिसके जहर की मुझे फौरन जरूरत है। ये बच्चा तो मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। इस बच्चे के शरीर में एक तेज जहर भरा हुआ है, दुनिया के सबसे खतरनाक
पोटाशियम साइनाइड से भी तेज, और मुझे मुझे विशी को बचाने के लिए एक ऐसे ही जहर की जरूरत है। जिसके शरीर में दौड़ता हुआ जहर तुम्हें नई जिंदगी देगा, लेकिन टिपटू के जहर का असर तुम पे होने लगा है। मुझे जल्द ही यही कहीं पे इमरजेंसी में उसका एंटीडोट बनाना होगा। अब टिपटू का सारा जहर तुम्हारे बदन में पानी हो जाएगा। आंखें खोलो विशी, आंखें खोलो, देखो मैं हूं, मैं तुम्हारा मणि। आंखें खोलो विशी। उफ़ो, ये आंखें क्यों नहीं खोलती विशी? आंखें खोलो विशी। विशी देखो मेरी तरफ। हे भगवान बचा ले मेरी विशी को, हे भगवान बचा ले मेरी जिंदगी को, बचा ले इसे। ऋषि तुम्हें होश आ गया? मणि, हे भगवान ये तो कमाल हो गया, ऐन वक्त पर तुमने अद्भुत बच्चा भेजकर ऋषि की जान बचाई। बच्चा? कैसा बच्चा मणि? ये बच्चा ऋषि, ये बच्चा मुझे नाग मंदिर में मिला था। बहुत जहर है इसके शरीर में, इसी के जहर से मैंने वो एंटीडोट बनाई जिससे तुम्हारी जान बची है। कितना प्यारा बच्चा है, अभी से ये दूसरों की जान बचाने लगा, इसके बदन में ये जहर कहाँ से आया? मणि मैं इसको पालूंगी, मैं बनूंगी इसकी माँ, इसने मेरी जिंदगी बचाई, मैं इसकी जिंदगी बनाऊंगी। यही तो मैं चाहता हूँ कि तुम इसे पालो पोसो और बड़ा करो ताकि हमारे बुढ़ापे का सहारा बने। मगर एक बात याद रखो, तुम इसे अपनी औलाद की तरह नहीं पालोगी बल्कि एक लोहार की तरह पालोगी, जो लोहे को भट्टी में तपा तपा के हथौड़े से मार मार के हथियार तैयार करता है, उसी तरह तुम इस बच्चे को एक हथियार बनाओगी। मेरा राजा बेटा। काश ये दिन देखने के लिए तुम आज जिंदा होती विशी, तो तुम देख पाती कि 20 साल पहले जो जहरीला बच्चा हमें नाग मंदिर में मिला था, जिसे तुमने इतने प्यार और जतन से पाल पोस कर बड़ा किया, आज वही बच्चा दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार बन चुका है। एक ऐसा नायाब हथियार जिसकी काट पूरी दुनिया में नहीं है, और आज मैं उसी हथियार की नीलामी करने जा रहा हूं। यहाँ होने जा रही है दुनिया भर की सबसे खतरनाक हथियार की नीलामी।
प्रोफेसर नागमणि की ओर से। मैं कुंडली, यहाँ आए सभी अंडरवर्ल्ड के बेताज बादशाहों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। वल्ला वल्ला वल्ला। जैसे कि आप सब जानते हैं, प्रोफेसर नागमणि ने आप सबको अपने बनाए गए खतरनाक हथियार के नीलामी के लिए बुलाया है। आज हमारे बीच दुनिया भर के अपराध जगत के सरताज मौजूद हैं, और वो इसलिए क्योंकि शहंशाह के दावत में शहंशाहों को ही बुलाया जाता है। प्रोफेसर नागमणि एटम बॉम्ब से बढ़कर जिस हथियार की नीलामी करने जा रहे हैं, उसकी बोली लगाना किसी छोटे मोटे गुंडों की बस की बात नहीं है। लेकिन प्रोफेसर नागमणि खुद एक पॉइजन स्पेशलिस्ट होती, वो ऐसी हथियार कैसे बनाती? जहर भी तो हथियार ही होता है, जो किसी की जान लेने में गोली से भी कम वक्त लेता है। बॉम्ब या गोली से बचाया जा सकता है, लेकिन पोटेशियम साइनाइड जैसे जहर से कोई नहीं बच सकता। मगर हमारे प्रोफेसर नागमणि जैसे महान इंसान इस जहर से भी बच सकते हैं। लेकिन प्रोफेसर नागमणि कहाँ है? प्रोफेसर नागमणि थोड़ी ही देर में आप सबके सामने उपस्थित होंगे, लेकिन इससे पहले मैं आप सभी हस्तियों का आपस में परिचय कराती हूँ। इनसे मिलिए मिडिल ईस्ट के मशहूर गोल्ड स्मगलर मिस्टर अखलील जली। अस्सलाम वालेकुम हाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। इनके शरीर पर मास से ज्यादा वजन सोने का है। वल्ला हबीबी वल्ला, इससे भी ज्यादा होती, क्योंकि हमारे दांत भी सोने की होती जो बाहर से वल्ला दिखाई नहीं देती। दांत दिखाकर आप ठीक नहीं कर रहे मिस्टर जलील, क्योंकि दुनिया के मशहूर सोने के एक नंबर के चोर मिस्टर जब्बार भी यहाँ मौजूद है। जिस दिन हम तुम्हारा सोने का चोरी करने पहुँचेगा, उस दिन हम तुम्हारा सोने का दांत भी चुरा ले जाएगा। और इनसे मिलिए हांगकांग के मशहूर ड्रग डिस्ट्रीब्यूटर मिस्टर निशांग चांग। चांग चांग, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। ये नशेड़ियों की दुनिया पर राज करते हैं। दुनिया भर में जहाँ कहीं भी कोई भी पुड़िया खुलती है, उस पर निशांग चांग का ही नाम लिखा हुआ होता है। इनसे मिलिए अंतर्राष्ट्रीय आर्म्स डीलर डी गन। दुनिया भर की पुलिस इनके पीछे है। बेचारे घर पर सो नहीं सकते, इसलिए यहाँ सो रहे हैं। डी गन कभी नहीं सोता, वो सोए हुए भी जागा होता है। गुड इवनिंग जेंटलमैन। असम के घने जंगलों का सबसे खतरनाक प्राणी, दुनिया भर के जंगली कबीलों का राजा, सम्राट थोड़ांगा। अरे थोड़ांगा जी तो आए नहीं। थोड़ांगा आ गया। ओह वेलकम मिस्टर थोड़ांगा, बस आप ही की कमी थी। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। अब इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, अब आपके सामने आ रहे हैं आपके मेजबान प्रोफेसर नागमणि। थैंक यू धन्यवाद धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों आप सब लोगों ने मेरा निमंत्रण इनविटेशन स्वीकार किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चांग चांग। हाँ तो जनाब वक्त आ गया है अपनी अपनी सासों को थामने का, कहीं ऐसा ना हो जाए मेरे नायाब हथियार को देखकर आप सबकी सासे बेकाबू हो जाए। Thank you.
किसी के भी अपनी जगह से हिलने का मतलब सिर्फ और सिर्फ उसकी मौत होगा। ये बात अपने मेहमानों को अच्छी तरह से समझा दो नागमणि। पराठा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तो तुम्हें नीलामी में नहीं बुलाया था। इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ नागमणि। दुनिया के हर नायाब हथियार पर सबसे पहला हक फर्राटा का होता है। फर्राटा के बिना हथियार की नीलामी, ये तुमने सोच भी कैसे लिया? बिन बुलाने का भी कोई ढंग होता है? नीलामी में आने का ये कोई तरीका है? फर्राटा का तरीका यही है नागमणि। वो जिस चीज को चाहता है उसे खरीदता नहीं है, हासिल करता है। और हासिल करने को ऐसे तरीके अपनाने ही पड़ते हैं। तुझे नीलामी का शौक है ना, तो करता रहे नीलामी अपनी नाकामयाबी की, क्योंकि कामयाबी तो अब मुझे हासिल होगी। मैं लेकर जाऊंगा तेरे उस हथियार को। बता नागमणि, कहाँ है तेरा वो हथियार? बता नागमणि, कहाँ है? बता नागमणि, कहाँ है वो हथियार? वो हथियार चाहिए तुझे? जा ले जा, वो रहा मेरा हथियार नागराज। खतरनाक हथियार? अरे किसी सर्कस का जोकर नजर आता है ये। इसी की नीलामी के लिए तूने यहाँ इतना हंगामा खड़ा करके रखा है। अगर ये यही वो खतरनाक हथियार है नागमणि, तो फर्राटा को कोई जरूरत नहीं है तेरे इस खतरनाक हथियार की, क्योंकि फर्राटा के घर के कुत्ते भी तेरे इस खतरनाक हथियार से ज्यादा खतरनाक होते हैं। ये कितना खतरनाक है इसका अंदाजा तुम्हें नहीं है फर्राटा? 100 शेर भी इसके सामने कुछ नहीं है। तुम इसे जबरदस्ती हासिल करने आए थे ना? हासिल तो क्या, तुम इसे हाथ भी नहीं लगा सकते। फर्राटा ऐसी घटिया चीजों को हाथ भी नहीं लगाता है नागमणि। लेकिन तेरे इस गुरूर को जरूर तोड़ेगा फर्राटा। हे अटैक! जलील भाई, तुमने कुछ देखा जो मेरी निकलौटी आंखों ने देखा? वल्ला जब्बर भाई, हमने नागराज की कलाइयों से उड़ते हुए सांपों को देखी जो उन दोनों की पिस्तौल को छीन ले गई। चाहे चाहे एक बात हमारी समझ में नहीं आई, उसकी कलाई में सांप कैसे छुपाएंगे? तुम तमाशा देखो, तमाशा देखो। ए, गो! Oh,
के वार को भी जानता है नागराज ने ये नाग स्टाइल मारा है। चिपकली की जैसे चिटकली जाए जाए को भी पहचानता है नागराज ने ये मंकी स्टाइल मारा। इसका मारा हुआ पानी नहीं मांगता है। किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। फराटा को नागराज ही जिसे हम आसानी से ले जाने दे रहे। कमान फराटा फिर से कोशिश कीजिए। ट्राई अगेन। ये तो वही गोलियां हैं जो फराटा ने नागराज के जिस्म में भर दी थी। हाँ, ये वही गोलियां हैं। कुछ नागराज के शरीर को छेद कर पार कर गई और जो पार नहीं हुई उन्हें नागराज ने अपने इनर सक्शन पावर से अपने गले से खींच कर फराटा को लौटा दिया। ओ चाचा, नागराज को बहुत गोली लगा है लेकिन उसका घाव किधर है चाचा? कुंडली जी, एक्सप्लेन टू देम। नागराज के शरीर में हजारों लाखों सर सूक्ष्म रूप में रहते हैं जो कैसा भी घाव लगते ही उस घाव को तर्जी की तरह भर देते हैं। और ये था नागराज की शक्तियों का प्रदर्शन जिसे फराटा ने बीच में आके और आसान कर दिया। क्यों फराटा, गोली चलाकर थक गए? नागराज को हासिल नहीं करोगे? ये तुमने क्या किया?
ये क्या किया? इस बेवकूफ ने नागराज को काट लिया। नागराज के खून में इतना जहर है कि अब इसका शरीर मोम की तरह पिघलने लगेगा। बेचारा फर्राटा मेरे नागराज को हासिल करने आया था। नागराज, देख लिया आप लोगों ने नागराज की शक्तियों को? है कोई जवाब? नहीं है। मैं जानता हूं कि संसार में नागराज की शक्ति का कोई जवाब नहीं है, तो लगाइए बोली, लगाइए। सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को मैं नागराज 15 दिन के लिए किराए पे दूंगा। लगाइए। भाग गया नागमणि, तेरा नागराज थोड़ांगा को भाग गया। पहली बोली मैं दूंगा, 20 करोड़। 20 करोड़? इस नायाब हथियार के लिए सिर्फ 20 करोड़? मी मी मी। सोचिए, 15 दिन के लिए आपके पास होगा। 20 करोड़? इसके ऊपर कोई बोली बोलता है? जलील भाई, 21 करोड़ लगा दूंगा, आधा तुम देगा। वल्ला, हम पार्टनरशिप में धंधा नहीं करती। हम पहले देखती कि थोड़ांगा को नागराज से कितना फायदा होती, उसके 15 दिन के बाद फिर हम बोली लगाती। ओ यस। हाँ तो लगाओ, 20 करोड़ के ऊपर की बोली लगाओ। न चंग चंग हबीबी, तुम बोली लगाती? चाई चाई, हम ज्यादा बोली लगा के थोड़ांगा से दुश्मनी नहीं लेंगे। 20 करोड़ एक। बीस करोड़ दो। 20 करोड़ 3। सम्राट थोड़ांगा, 15 दिनों के लिए नागराज आपका हुआ। यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जो चलाएगा गोली, थोड़ांगा खेलेगा उसके खून से होली। आओ नागराज, आओ। जाओ नागराज। अब तुम 15 दिनों के लिए थोड़ांगा के हुए, आओ। क्या हुआ, रोक क्यों गए? एक मिनट। नागराज, नागराज,
पर जब पापों का बढ़ने लगे है भार, मजलूमों के दिल से ये ही आती है पुकार। जिस्म है इसका फौलादी, हजारों नागों की शक्ति। जिस्म है इसका फौलादी, हजारों नागों की शक्ति। क्या अंबर क्या धरती पर पहुंचे ये नाग रस्सी पर, गोली का ना असर हो इस पे छोड़ विष फुंकार।